हाय फ्रेंड, आप सभी को मेरा चैनल फैक्ट भाजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम गूगल के बारे में जानने वाले हैं। गूगल एक ऐसा शब्द है जो शायद अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग को जाने जाते हैं। गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन अभी बन गया है। वैसे तो माना जाता है कि सर्च इंजन पूरा दुनिया में 17 है, लेकिन सबसे एक नंबर पर अभी सर्च इंजन में गूगल आता है। हमारे यहाँ एक कहावत कहा जाता है, आप सभी ने तो सुना ही होगा, कि कहावत यह है कि गूगल सब जानता है। जी हाँ, ये हमारे बारे में इतना जानता है जितना कि हमारे ना कोई फ्रेंड ना तो हमारा फैमिली भी जान सकता है। आज के दौर में सभी इंटरनेट को इस्तेमाल करता है, ऐसे में कोई भी जानकारी के लिए सबसे पहले गूगल पे जाता है। गूगल तो हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है। क्या हम गूगल के बारे में क्या ऐसे जानते हैं जिससे हम यह कह सकते हैं कि हम भी गूगल के बारे में कुछ जानते हैं? तो चलिए आज हम कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट को जानेंगे जिससे हम भी यह कह सकते हैं कि हम भी गूगल के बारे में कुछ जानते हैं। अगर आप नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सभी से यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा कर ऑल कर दें, ताकि जब भी हमारे वीडियो बने सबसे पहले एक नंबर पर आपके पास पहुँच जाए, यानी कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं फैक्ट भाई जी यूट्यूब चैनल। आज की टॉपिक बहुत ही खास होने की वजह से वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गूगल का शुरुआत सन 1996 से चालू है, लेकिन गूगल का स्थापना सन 1998 में जाके हुआ। गूगल को लैरी पेज और सागरी ब्रिन ने बनाया है। गूगल के फाउंडर ने जब इसको बनाया तब उसने सोचा कि याहू को इसे बेच दे, लेकिन याहू ने उस वक्त इस डील को कैंसिल कर दिया, यानी कि इस डील को स्वीकार नहीं किया। आज यही नतीजा है कि गूगल दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन में एक नंबर पर आता है। हर सेकेंड में गूगल पर 65,000 से भी ज़्यादा सर्च किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में करीब गूगल का 70 हेड ऑफिस है, और उनमें 14% लोग ऐसे काम करते हैं जो अपने लाइफ में पूरे लाइफ में कभी कॉलेज नहीं किया है। यानी कि गूगल में काम करने के लिए कॉलेज की डिग्री नहीं, आपको कंप्यूटर का डिग्री चाहिए होगी। क्या आपको पता है गूगल का ओरिजिनल नाम बैक रब है? क्या आपको पता है गूगल एक बहुत ही बड़ा सर्च इंजन है जिसमें करीब 3 बिलियन वेबसाइट इसके अंदर में रन कर रहा है। गूगल का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि गूगल हमारे प्राइवेट बात को भी सुनता और जानता है, यानी कि यह हमारे हर पल की खबर रखता है। गूगल का शेयर मार्केट पूरे वर्ल्ड में 90% है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा कंपनी है। गूगल में काम करने वालों की संख्या 88,110 तकरीबन है, और गूगल के पास 20,000 ऐसे कर्मचारी है जो कि गूगल के लिए प्रोफेशनल तरीके से काम करता है। आज अगर वर्ल्ड का सबसे बड़ा ई कॉमर्शियल कंपनी अमेजोन है, तो इसको इतना बड़ा बनाने में गूगल का ही हाथ है। इसके पीछे गूगल का ढेर सारे राज है जिससे ये कंपनी इतना बड़ा बना है। अभी जब आप गूगल पर कुछ सर्च करता है तो आपने ज़रूर देखा होगा कि सबसे नीचे आप जाके देखेंगे तो जी लिखा रहता है, उसके बाद ओ ओ ओ ओ बहुत सा ओ लिखा रहता है, उसके बाद एल ई लगा रहता है। क्या आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि गूगल के पास अरबों खरबों संख्या में पेज है जिसका कोई गिनती नहीं है। गूगल का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि गूगल का नाम गलती से गूगल पड़ा है। दरअसल इसका नाम शुरुआत में गूगल था, GOGOLE था। यह गलती उसका फाउंडर ने खुद किया है। क्या आपको पता है 16 अगस्त 2013 को गूगल का सर्वर 5 मिनट के लिए डाउन हो गया था, जिससे गूगल का पूरे 40% ट्रैफिक लॉस हुआ था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि गूगल का पर डे का कमाई $1 मिलियन है। इसे रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो ये 8.5 अरब रुपया बनता है। गूगल को 90% से भी ज़्यादा कमाई एडवर्टाइजिंग से आता है। क्या आपको पता है, आपने कभी सोचा है कि गूगल हमें सारे टूल्स फ्री में देता है तो गूगल के पास पैसा कहाँ से आता है, यानी कि गूगल कमाता कैसे है? हम जो गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, ये सारे डाटा गूगल के पास जाता है, और गूगल इसी से रिलेटेड हमें एडवर्टाइज दिखाता है जिससे गूगल का कमाई होता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज से आप भी यह कह सकोगे कि हम भी गूगल के बारे में कुछ जानते हैं, जैसे कि गूगल हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं।
सो फ्रेंड, ऐसे ही जबरदस्त इन्फॉर्मेशन फैक्ट के लिए हमारे चैनल फैक्ट भाईजी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के भी साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।